दोस्तों आज हम एक पजामे की कटिंग करने का आसान तरीका सिखाएंगे। इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, कपड़ों को हमने उल्टा फोल्ड कर लिया है। और याद रखिएगा, कपड़े के हमने पहले 4 तह बना लिए हैं। देखिए, पहले 2 बार अच्छे फोल्ड करा, फिर 2 बार अच्छे फोल्ड कर लिया। इसमें दोनों तरफ के कुंडे होते हैं, वे एक साथ में कट जाते हैं। पजामे में सबसे पहले नेफे की मार्किंग कर लेते हैं कि नेफा हमारा एक्स्ट्रा में कटता है। तो नेफा यहाँ पर हम लोग कट करेंगे 2 इंच। अपन स्टेप को यहाँ पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में इनकी लंबाई की मार्किंग करेंगे। लंबाई की मार्किंग जो हम करेंगे वो यहाँ पर से करेंगे। तो देखिए, इनकी लेंथ है 34 इंच, तो यहाँ पर 34 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और बाकी नीचे तक छोड़ेंगे फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच। अब इसके बाद में इनके आसन की मार्किंग करेंगे। आसन का यहाँ पर आएगा 13.5 इंच पर, 13.5 इंच आसन है, तो यहाँ पर आसन बना करके 13.5 इंच मार्किंग कर दी तो आधे सिलाई में चला जाता है। अब पहले इस मार्क को सीधा कर लेंगे। गेयर 13.5 इंच है, तो इसे हम लोग 8 इंच और ऐड कर देंगे, 14 इंच मार्किंग कर देंगे। लेंथ मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे। पजामे की मोड़ी 13.5 इंच है, इसका आधा करा तो यहाँ पर वो 6.5 इंच, इसमें 8 इंच और छोड़ देंगे उस समय सिलाई के लिए। इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद में मयाने कटिंग करेंगे। तो मयाने कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे 5 इंच पे। चौड़ाई में यानी हम लोग काट रहे हैं, वो काट रहे हैं 5 इंच, और मियाने की लंबाई रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 8 इंच की। देखो फ्रेंड, हमारी मियानी भी कट गई है। अब इसकी स्टिचिंग आप लोगों को दिखाएंगे। पैजामे की कटिंग करने के बाद में इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने मियानी काटी, सबसे पहले मियानी को लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मियानी हमेशा इस साइड से लगाते हैं, यानी कि गिदली होती है नीचे साइड में, यहाँ से रख के इसको मिला देते हैं और बस यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी साइड में भी ऐसे ही लगा लेंगे। अब इसके बाद में दूसरे पल्लों को उठा करके हम इसको ऊपर रखेंगे, यहाँ पर से इसको यहाँ से मिला लेंगे। इसमें यहाँ पर चिड़िया बनेगी। तो इसमें यहाँ पर इतनी स्लाइड छोड़ने के बाद में यहाँ पर से इसमें छेद लगा देंगे।
देखिए अब इसके बाद में इसकी इस साइड में सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड में मेहंदी लगा लिए, दोनों पल्ले जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद में पॉटों के साइड में यहाँ पे फोल्डिंग कर देंगे। एक तो आपका मोड़ लिया है, दूसरी साइड में वैसे ही मोड़ लेंगे। अब इसके बाद में इसको जोड़ लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पर से मिला देंगे। अब इसके बाद में इसमें यहाँ पर साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड दोनों साइड की हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में इसका यहाँ पर से नीफा बना लेंगे। सबसे पहले चिड़िया बना लेंगे यहाँ पर से। फ्रेंड चिड़िया बना ली है, अब इसको यहाँ पर से फोल्ड कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स पजामे की स्टिचिंग भी हो गई है और पजामे की कटिंग भी हो गई है। आप लोग इस तरीके से पजामे कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा।